नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। कानपुर रोटरी डिस्ट्रिक्ट की सदस्यता संगोष्ठी का उद्घाटन संगोष्ठी में आए हुए मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि एवं गणमान्य लोगों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस सदस्यता संगोष्ठी के आयोजक रोटरी क्लब कानपुर ब्रह्मवर्त के अध्यक्ष रोटेरियन मनोज पांडे ने सभी अतिथियों को माला एवं अंगवस्त्र पहनाकर क्लब की वरिष्ठ सदस्य रोटेरियन अर्चना पांडे एवं क्लब सचिव रोटेरियन आशीष अग्रवाल ने किया। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3110 की सदस्यता संगोष्ठी के मुख्य अतिथि रोटरी मंडलाध्यक्ष रोटेरियन नीरव निमेश अग्रवाल ने उद्घाटन करते हुए सभी से क्लब में युवाओं को जोड़ने का आग्रह किया तथा ज्यादा से ज्यादा रोट्रैक्ट और इंट्रैक्ट क्लब खोलने को कहा। इस संगोष्ठी की विशिष्ट अतिथि निकट के रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 से आई पूर्वी मंडलाध्यक्ष रोटेरियन स्तुति अग्रवाल ने रोटरी में विविधता समानता और समावेश पर जोर दिया। उनका जोर महिलाओं को लेकर था। उन्होंने बताया कि 1987 से रोटरी में महिलाएं भी सदस्य बनने लगी, जबकि उसके पूर्व महिलाएं इसमें सदस्य नहीं होती थी। यह अधिकार महिलाओं ने अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा जीतकर सदस्यता हासिल की। विगत मात्र 5 सालों में 2 महिलाएं रोटरी की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुनी जा चुकी हैं। प्रथम पुरस्कार रोटरी क्लब कानपुर तथा रोटरी क्लब कानपुर नॉर्थ को मिला। सर्वाधिक क्लब के द्वारा उपस्थित सदस्यों का पुरस्कार भी रोटरी क्लब कानपुर को मिला तथा रोटरी क्लब अलीगढ़ को भी मिला। विशेष रूप से रोटरी क्लब कानपुर आर्यंस के अध्यक्ष रोटेरियन डॉक्टर बी एन आचार्य, रोटरी क्लब कानपुर शिखर के रोटेरियन सुशील श्रीवास्तव, रोटेरियन अर्चना पांडे, रोटेरियन आशीष अग्रवाल, रोटेरियन जय बलवानी, रोटेरियन आशीष जालान, रोटेरियन आलोक अग्रवाल का विशेष सहयोग रहा। रोटरी क्लब मेट्रो से विजय पुरवार, ओपी अग्रवाल, अमिताभ गुप्ता आदि रोटेरियन मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट जोपी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3110, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के 36 जोग्राफिकल डिस्ट्रिक्ट को बना के मना हुआ है। रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरी दुनिया को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में बांटा हुआ है। हम लोगों का मुख्य कार्य आपकी सहचर्य बढ़ाना और समाज की सेवा करने का है। रोटरी क्लब्स के थ्रू काम करती है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो मेम्बरशिप होती है उसकी और कामों की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव होती है, काम क्लब्स के थ्रू होता है। तो आज के सेमिनार हमारे सारे क्लब्स की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो क्लब्स हैं उनकी मेंबरशिप के विषय में डिस्कशन करने के लिए है कि क्या कारण है या क्या चीज़ें जिससे हमारी मेंबरशिप बढ़ सकती है, कैसे मेंबर्स हमें बनाने हैं, किस तरीके से युवा वर्ग के जो मेम्बर्स हैं, इंटरेक्टर्स और रोट्रेक्टर्स हैं, उन्हें मोटिवेट करना है, क्या अपने मेम्बर्स के लिए हमें करना है। आज का ये प्रोग्राम रोटरी क्लब कानपुर ब्रह्मवर्त द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अपने कानपुर का 43 साल पुराना क्लब है, मनोज जी उसके प्रेसिडेंट है। तो ये आयोजन डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को बुलाकर रोटरी की इस इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट की स्थिति और उसकी मेंबरशिप के ऊपर चर्चा करना है। देखिए, रोटरी कोई हमारा काम नहीं है, रोटरी एक सोच है। रोटरी हमसे कहती है कि आप जो भी काम करें उस सेवा की भाव से करें। आप ये देखेंगे जब ये भाव आपके साथ हमेशा रहेगा, आपके काम में रहेगा, तो वो सेवा को परिलक्षित करेगा। मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि आप सुबह घर से निकले और आपको घर पे आए, वो जो चीज़ जो आपको लगता है बदलनी चाहिए अच्छी के लिए, वो सारे काम रोटरी की जिम्मेदारी है। अगर वो एनवायरमेंट है तो, अगर वो किसी को भूख लग रही है तो, अगर किसी को व्यापार सिखाना है तो हर समय अगर आप रोटरी की सेवा भाव को समझ पाएंगे, आपसी सहयोग की फेलोशिप की भावना को समझ पाएंगे, तभी आप एक नई रोटरी बन पाएंगे। इस भावना को आपको अंगीकार करना है। ठीक है, ओके सर।